वैकेंसीज में कांस्टेबल की एक और बहुत बड़ी बहाली है, ये 54,953 पद के लिए किया गया है। लास्ट डेट 17 सितंबर 2018 है और इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड एक एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। क्योंकि वैकेंसी 54,000 से ज़्यादा है तो आप अंदाजा कर लें कि बहुत अच्छा मौका है। 55,000 वैकेंसी में आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एज 18 से लेकर के 23 वर्ष तक रखा गया है, मतलब 2/8/1995 से लेकर के 1/8/2000 ईस्वी तक के जो बच्चे हैं जिनका जन्म इस बीच में हुआ है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो 2/8/1995 से लेकर 1/8/2000 के बीच। क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगा गया है तो ये बहुत अच्छा मौका है 10th पास वाले के लिए कि सीधा वो नौकरी में चले जाएंगे और सैलरी भी काफी अच्छी है। 21,700 रुपया से लेकर 70,000 रुपया तक पेमेंट है, 70,000 तक का स्केल है इसमें। और सिलेक्शन के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और मेडिकल होगा। तो रिटेन जो होगा उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन रहेंगे आपको जल्दी से बता दें। इसमें इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होंगे जिसको रीजनिंग कहा जाता है, और जनरल साइंस जनरल कॉमन सेंस के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जनरल नॉलेज भी होंगे और जनरल अवेयरनेस का भी प्रश्न आएगा इसमें। साथ में मैथ, इंग्लिश और हिंदी इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे तो आप आसानी से इस एग्जाम को पास कर लेंगे, रिटेन एग्जाम को। तो इसमें लास्ट डेट है 17 सितंबर 2018 को, परीक्षा नवंबर 2018 में होने की संभावना हम बता रहे हैं। 18 नवंबर को इसका डेट हो सकता है, लेकिन आपको तैयारी 2-3 महीने के अंदर में कर लेनी है। और तैयारी कैसे करेंगे उसके पहले आपको बता रहे कि BSF, CRPF, ITBP, SSB और NIA ये अलग अलग विभाग है। एक बार फिर से सुन लीजिए, BSF, CRPF, ITBP, SSB और NIA इसमें कांस्टेबल की बहाली है। लगभग 54,953 सीट है, लगभग 55,000 सीट पर ये वैकेंसी निकाली गई है और 2018 में इसे पूरा कर लिया जाएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप इसे में जरूर भरिए फॉर्म, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन भी इसमें हो जाएगा। तो हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा कि नौकरी से संबंधित वीडियो है आपको हूबहू और समय पर आपको मिलता रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।